Welcome students. In previous video we described about the different type of excretory product. Excretory organ which are present in human body as well as the different organisms. I hope that all of you clear from them. Today we discuss a very important topic, that is the excretions in case of human beings. Okay. All of you like my channel, subscribe and press the icon bell for the next chapter videos. ठीक है, आपको अपने आप जब वीडियो में आपको अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए आप आइकन बेल को प्रेस करिएगा. ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू. टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या है? दैट इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म इनसाइड द ह्यूमन बॉडीज. ओके, just like we discuss about the urea, ammonia, amino acid, uric acid, that is occurring in different organisms, we also discuss in previous class. Today we start that is the excretion in case of human beings. For the removal of the waste material in human body, there is the specialized organ are present, one pair, that is the kidney are present. Okay, that is present in pair. Second one pair, that is the ureter are present. Next, urinary bladder. And last one, that is the urethra. This is the different organ that is participated in case of excretion in case of human beings. Okay. इसमें वन पेयर किडनी होता है, वन पेयर यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा. जस्ट लाइक यू सी हियर, दैट इज द गिवन द डायग्राम्स. वन पेयर आर किडनी आर प्रेजेंट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी. ठीक है, और स्ट्रक्चर बात करें द किडनी की, दिस इज द शेप ऑफ द किडनी, दैट इज द बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. बीन खाया हो घर पर आप, ठीक है, उसकी तरह बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर दोनों आपके आर्टरी और वेन्स प्रेजेंट है. एवर्टा मींस आर्टरी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज द सर्कुलेट द इंटर इनसाइड द किडनी. ठीक है, जो इंटर करता है और ये किसके थ्रू आता है, दैट इज कम फ्रॉम द, दैट इज कम फ्रॉम लीवर, क्योंकि फिल्ट्रेशन होकर के यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है. ठीक है, तो लीवर से ब्लड कहाँ आता है, किडनी में आता है, किसके लिए, फॉर द फिल्ट्रेशन. और यहाँ किसके थ्रू आता है, एवर्टा जो लिखा है, आर्टरीज. ठीक है, डिफरेंट आर्टरीज थ्रू इंटर करता है, लेफ्ट एंड राइट किडनी में जाता है. किडनी के स्ट्रक्चर दैट इज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स. और इनसाइड द किडनी देयर आर टू पार्ट्स, मेडुला है, कॉर्टेक्स रीजन आर प्रेजेंट. यदि किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो पार्ट होता है. जो आउटर पार्ट है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है, जिसमें ग्लोमेरुलस अपरेटस होता है, वी डिस्कस इन लेटर. और इनसाइड जो मेडुला रीजन होता है, इसमें पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट. ठीक है, मेडुला इसको बोलते हैं, कॉर्टेक्स रीजन आउटर पार्ट, मेडुला इनर साइड होता है. और यहां पर ही फिल्ट्रेशन इसमें होता है. ठीक है, दैट इज अगेन इनसाइड द किडनी. ओके, किसके थ्रू ब्लड इंटर कर रहा है, थ्रू द एवर्टा थ्रू ब्लड आ रहा है. ठीक है, यू सी हियर जो कलर किया गया है आपका, ये एवर्टा लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में इंटर कर रहा है. ठीक है, और फिल्टर होने के बाद जो ब्लड होता है, अगेन दैट इज सर्कुलेट थ्रू द वेना केवा. जस्ट लाइक हियर, इसके बगल में आपका ये जो खाली छोड़ा गया है वो वेना केवा है, इसके थ्रू ये रिटर्न होकर वापस चला जाता है. ठीक है, रिटर्न होता है ब्लड. फिल्टर होने के बाद जो यूरिन है, यूरिया है, दैट इज ट्रांसफर थ्रू द वन पेयर ऑफ यूरेटर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड जो प्रेजेंट है, लेफ्ट एंड राइट दोनों में प्रेजेंट है. उसके थ्रू वो फिल्टर होकर किडनी से कहां आता है, देयर इज अ ब्लैडर प्रेजेंट, देयर इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इन व्हिच आफ्टर द फिल्ट्रेशन द यूरिन दैट इज कलेक्टेड इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर्स.
ठीक है, लेफ्ट साइड से आता है, राइट से आता है, कहाँ पर कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, जिसको समय समय पर यूरेथ्रा द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द किडनी, आई होप दैट इज ऑल ऑफ क्लियर अबाउट दैट, पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया आपको, वन पेयर किडनी होता है लेफ्ट एंड राइट, जो राइट वाली किडनी होते हैं दैट इज द सम बिगर, इसकी जो साइज होते हैं देयर इज सम बिगर देन द राइट किडनीज, और इसकी जो हाइट होती है मतलब दैट इज द प्रेजेंट अबव दैन द राइट किडनी थोड़ा ये ऊपर होता है और ये थोड़ा सा साइज में भी बड़ी होती है, ठीक है, क्लियर। वन पेयर यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। मेन प्रोसेस क्या है इन केस ऑफ एक्सक्रीशंस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर यूरिया है, सॉल्ट है, अमोनिया है, ठीक है। तो हाउ कैन देयर फिल्ट्रेशन अकर्स, मीन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इसके लिए हाउ कैन द यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं हम नेफ्रॉन, जो फिल्ट्रेशन होता है किसके थ्रू होता है, नेफ्रॉन के थ्रू। नेफ्रॉन क्या है, दिस द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। इसका स्ट्रक्चर क्या है, यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जिसमें जो ब्लड इंटर करता है वो इफरेंट आर्टरी थ्रू जाता है, ई डब्ल्यू एफ ई आर ई एन टी, ठीक है, इफरेंट आर्टरी, और रिलीज किसके द्वारा होता है, निकलता है किसके थ्रू है, अफरेंट, ठीक है। अब इसकी पार्ट की बात करें, जो ऊपर वाला पार्ट होगा दिस इज कमन एज द वुमेन्स कैप्सूल, इनसाइड देम दैट इज द ग्लोमेरुलस ऑपरेटस, ठीक है। ए पार्ट दिस इज नोन एज द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। ये जो यू साइड स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस नोन एज द लूप्स ऑफ हेनले, ठीक है। इस साइड आपका आपका है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, आफ्टर फिल्ट्रेशन जो कलेक्ट होता है इसमें होता है कलेक्टिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो कहां होता है, इन
नेफ्रॉन होता है, ठीक है। हाउ कैन द फिल्ट्रेशन अकर, यू सी जो इफरेंट आर्टरी, आर्टरी का भी बात कर लेते हैं, वाटर था व्हिच एंटर इन लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड किडनी में एंटर करता है, किसके थ्रू एंटर कर रहा है, इफरेंट आर्टरी थ्रू एंटर करता है ब्लड, कहां आता है, बोमेंस कैप्सूल, दिस इज पार्ट ऑफ द बोमेंस कैप्सूल्स, ठीक, ऊपरी पार्ट जो है बोमेन कैप्सूल होता है, और इसके इनसाइड दैट दैट इज द ग्लोमेरुलस अपरेटस, नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, द नंबर ऑफ नेट दैट इज हियर इज 15, 50 नंबर में होते हैं, ठीक, नेट लाइक स्ट्रक्चर फिल्टर जो करने काम करते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ वुमेन कैप्सूल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुलस अपरेटस, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, और यहाँ पर जो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस अपरेटस के थ्रू जस्ट लाइक ए ग्लूकोज, सॉल्ट, एमिनो एसिड्स, ठीक है, मतलब स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेस्ट मटेरियल ब्लड और प्रोटीन जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है ब्लड सेल्स है दे कैन नॉट फिल्टर हियर, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के बाद ये अपरेंट आर्टरी के थ्रू वो वापस ले आते हैं, कहां से लेता है, आर्टरी के थ्रू होते हुए वेना कैवा में, ओके। दूसरा जो पार्ट है वुमेन कैप्सूल के जस्ट नीचे रिजनल इज द पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, इसका फंक्शन क्या होता है, दिस इज द रिस्पांसिबल फॉर द, क्योंकि यहां जब फिल्टर होता है यहां पर तो जो सोल्यूशन होता है वो आपका किस कंडीशन में होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन में होगा, मतलब उसमें वाटर एज वेल एज द जो न्यूट्रिएंट है जो वेस्ट मटेरियल है सम अमाउंट में होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका पीसीटी है कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, दिस इज द रिस्पांसिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल को ये रिलीज करता है, जो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज इसके चारों तरफ फैली हुई है, दैट इज द रीअब्सॉर्ब, वाटर को ये रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। वाटर ये रीअब्सॉर्ब होगा तो सोल्यूशन किस कंडीशन में आ जाएगा, इन केस ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में हाइपरटोनिक, मीन्स जो इसमें वेस्ट मटेरियल ज्यादा है वाटर की मात्रा कम होगी, ठीक है। When they again enter into the loops of annuli, you see here that is the tube-like structure present. This known as the loops of annuli. A descending order में है और a ascending. ठीक है, loops of annuli का है. तो जो descending order है, this is the responsible for the absorption of water. यहाँ पर thin water का absorption होता है, means जो सोल्यूशन आपका है जो यहाँ पर आ रहा है न्यूट्रिएंट या वेस्ट मटेरियल वो किस कंडीशन में हो जाएगा, फिनाइसोटोनिक में हो जाएगा, ठीक है। अब जो असेंडिंग ऑर्डर है आपका लूप्स ऑफ हेनले का, दिस द नॉट परमिबल फॉर द वाटर, वाटर के लिए परमिबल नहीं है, बट दिस द आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज आर दैट इज द एब्जॉर्प्शन, तो काम नहीं करता, बट दैट इज द जब ऊपर की तरफ ये मूव करता है ये नलिका आपका फिंचौड़ी जाता है जिसको हम कहते हैं डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है। दिस ट्यूबुल्स इज रिस्पांसिबल फॉर द परमिएबल फॉर द सॉल्ट, मतलब एक्स्ट्रा आयंस कर सकते हो आयंस के लिए, ठीक है, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस जो प्रेजेंट है इनसाइड द वेस्ट मटेरियल एज वेल एज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यदि प्रेजेंट है विच आर बेनिफिशियल फॉर द आवर बॉडीज ज्यादा मात्रा में तो यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है और रीअब्सॉर्ब के बाद जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आता है और कहाँ आता है कलेक्टिंग डक्ट में आकर कलेक्ट हो जाता है और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में एक कलेक्टिंग डक्ट से क्योंकि यू नो अबाउट देम इन वन किडनी दे कंटेन द मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, एक किडनी में मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन होते हैं और सभी किससे अटैच होते हैं कलेक्टिंग डक्ट से जस्ट लाइक हियर यू सी, ठीक है। इससे कलेक्ट होकर के कहां आता है जहां पर ये जुड़ा होता है किडनी का जो पार्ट जहां से जुड़ता है इसको पेल्विस रीजन बोलते हैं, जैसे पिरामिड बनाए थे अभी, ठीक है, पिरामिड बनता है मेडुला रीजन में और जो ये कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पर इसको कहते हैं पेल्विस रीजन, पहले फिल्टर होकर के कलेक्टिंग डक्ट द्वारा यहाँ पर कस्मित होता है कलेक्ट होता है, देन जब यहाँ फिलअप हो जाता है तो वह यूरेटर के द्वारा जो लेफ्ट एंड राइट यूरेटर है उसके थ्रू जो यूरिन है वो कहाँ चला जाता है, दैट इज गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर्स, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है वो सेंसिटिव होती है, जैसे ही
उसमें फिलअप होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, मतलब टच करता है, अपने आप उसमें कंस्ट्रक्शन चालू होता है, जिसके कारण आपका यूरिन सिक्रेशन की फिलिंग होती है, ठीक है, जिसके कारण यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है। दिस द रीजंस। तो पहले तो ये आपका डिफरेंट पार्ट के बारे में बता दिए, दैट इज अ वुमेन कैप्सूल जिसमें आपको ग्लोमेरुलस एपरेटस है। सेकंड पार्ट है पीसीटी प्रॉक्सिमल कंजुगेट ट्यूबल्स, ठीक है, ये यू टाइप में जो स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज द लुप्सा पेनले। ये जो आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज द डीसीटी डिस्को कंजुगेट ट्यूबल्स, और ये जो स्ट्रक्चर है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कलेक्टिंग ऑफ यूरिन दिस इज नोन एज द कलेक्टिंग डक्ट। अब यूरिन फॉर्मेशन की बात करें, देयर आर थ्री प्रोसेस अकर्स, ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में आता है। थ्री प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, यू लिसन हियर। पहला प्रोसेस है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकेंड रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड सिक्रीशन। एवरीवन लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिन फॉर्मेशन के लिए थ्री स्टेप्स होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन दैट इज अगेन केस ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। कहां होता है वुमेन्स कैप्सूल में किसका फिल्ट्रेशन होता है, किसके थ्रू होता है, दिस इज द नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, दिस इज नोन एज द ग्लोमेरुलस एपरेटस। इसका जो नंबर होता है 50 to 100 होता है, ठीक है, इसके थ्रू फिल्टर होता है। और किसका फिल्ट्रेशन होता है, सॉल्ट का होता है, आयन्स का होता है, सोडियम पोटेशियम आयन है, ठीक है, ग्लूकोज का है, मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल का यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है जैसे प्रोटीन है, ब्लड सेल्स है, दे कैन नॉट फिल्टर हियर, दैट इज क्लियर। तो फिल्ट्रेशन को ही हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, दैट इज क्लियर। तो यदि पूछा जाए कि वेयर दैट इज द फिल्ट्रेशन अकर्स, दैट इज द केस ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, किसके थ्रू होता है, दैट इज अकर थ्रू द ग्लोमेरुलस ऑपरेटस, क्लियर। सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस की बात कर रहे थे, मींस जब फिल्ट्रेशन होने के बाद या पीसीटी प्रॉक्सिमल कंजुगेट ट्यूबल्स से और लुप्सा पेनले थ्रू कहां आता है, डिस्टल कंजुगेट ट्यूबल्स में। तो डिस्टल कंजुगेट ट्यूबल्स जो पार्ट है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन, जो आपका मटेरियल है मीन्स सॉल्ट है, ग्लूकोज है, आयंस है, जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है ज्यादा मात्रा में है, दैट इज अगेन रीअब्सॉर्ब, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या फैली है, ब्लड कैपिलरीज फैली होती है, ठीक है। डायग्राम देखो होंगे आप, इसके साथ क्या फैला हुआ है, ब्लड कैपिलरीज फैली है पूरी, ठीक है। तो इस ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट है, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है, वो क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो रीअब्सॉर्ब करने के प्रोसेस को ही रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आफ्टर रीअब्सॉर्प्शन लास्ट क्या आता है, जब फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए कहां आता है, ब्लैडर में, जहां पर उसका सिक्रीशन किया जाता है, मतलब दैट इज रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडीज, प्रोसेस क्या है, सिक्रीशन, ठीक है। तो इन केस ऑफ नेफ्रॉन the urine formation and secretion process that is occurs, means that is the urine formation की बात करें, that is occurring into only three steps, three step में complete होता है, ultrafiltration हो गया, reabsorption and secretions, that is clear, any confusions, if any confusion you write in comment box, okay. Next step topic that is related with the artificial kidney, means dialysis process. Before we discuss about the dialysis, we discuss here is the kidney failure and technology for the survival. यदि kidney fail हो जाता है, you know what then in human body there is one pair of kidney at present. यदि एक fail हो जाता है, तो भी दूसरे से काम चलता है, ठीक है? लेकिन यदि kidney दोनों fail हो जाता है, तो what is, you know about them, what is the effect? Means cannot filtration occurs. ओके क्या होता है किडनी फेलियर में, एन इंफेक्शन इन किडनी, इंजरी ऑफ किडनी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो कैन डैमेज द किडनी एंड दे स्टॉप वर्किंग, यूरिया एंड अदर वेस्टेड कलेक्ट इन द ब्लड
एंड कैन कॉज डेथ इज अनट्रीटेड। ठीक है, यदि फिल्ट्रेशन नहीं होता है तो यूरिया जो है या वेस्ट मटेरियल दैट इज कलेक्टेड इन द ब्लड कैपिलरीज, जिसके कारण वो ब्रस्ट हो सकता है। एंड दिस द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांट। इसका सबसे अच्छा जो प्रोसेस है किडनी फेलियर को ट्रांसफर कर देना, मतलब ट्रांसप्लांटेशन करा देना, किडनी को रिप्लेस कर देना। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन मीन्स दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गन्स। ओके, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल प्रोसीजर डायलिसिस इज डन ऑन द आर्टिफिशियल किडनी। यदि यह पॉसिबल नहीं है, किडनी यदि डोनेट कोई नहीं कर रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल किडनी यूज किया जाता है, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। तो व्हाट इज द डायलिसिस, डायलिसिस क्या है, इसको हम कॉमनली दिस नोन एज द आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस भी बोला जाता है। दिस इज द सिमिलर प्रोसेस दैट इज अकर इन केस ऑफ किडनी। जिस तरह से किडनी में प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस आपके डायलिसिस में भी होता है। इसमें होता क्या है, दैट इज द डायलिसिस चेंबर होता है, जो सेल्युलोस डायलिसिस सेल्युलोस का ही बना होता है नॉर्मली। ठीक है, यू सी देयर डायलिसिस चेंबर है, और इस डायलिसिस चेंबर में जो ब्लड होता है, जो पेशेंट होता है, उसके आर्टरी थ्रू निकाला जाता है, और इस डायलिसिस चेंबर में आर्टरी के थ्रू ही ब्लड इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर जो यूरिन होता है उसको कलेक्टिंग डिस्ट या वर्क करता है, बॉटल में इसको कलेक्ट कर लिया जाता है यूरिन को, जिसको समय समय पर रिमूव किया जाता है। ओके, और इसमें वन साइड से फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन, फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन होता है इसमें इंटर कराते हैं, और जब फिल्टर हो जाता है तो अगेन इस ब्लड को जो इंटर किए थे हम आर्टरी थ्रू ट्रांसफर होता है बॉडी में, ठीक है, उसी आर्टरी थ्रू इसमें इंटर करा रहा है हीमोडायलिसिस प्रोसेस में। वहां से फिल्टर होने के बाद फिर दैट इज अगेन फिल्टर इनटू द आर्टरी रीजंस, आर्टरी में इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर फिल्ट्रेशन जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। हीमोडायलिसिस प्रोसेस क्या है, इस द occurs when that is the kidney are failed, kidney जब fail हो जाती है, function नहीं करता है, तो उसके लिए हम artificial kidney use करते हैं, जिसको hemodialysis या dialysis process बोलते हैं। In which how can the work is in case of hemodialysis, इसमें क्या होता है, the blood from the patient of arteries are is made to flow into the dialysis machine which is made of the long cellulose tube which coiled in the tank containing dialyzing solutions। ठीक है, ये cellulose का सब बना होता है, cellulosic होता है, cellulose membrane का होता है। ठीक है, in which that is the ये आपका dialysis solution होता है, इसमें enter कराते हैं। ठीक, the dialyzing solutions contain, इसमें होता क्या है, water, glucose and salt in similar concentrations to those in normal blood। ठीक है, ये क्या कहते हैं, similar concentration में होता है जो blood में normally present होता है। ठीक है, normally इनके साथ bodies में जो present होते हैं। As the blood pass through the dialyzing solution, most of the waste like urea pass through the semi-permeable cellulosic, और cellulose के बना होता है, no water, this is the semi-permeable होता है। You know what the semi-permeable means, this is the responsible for the only removal of the waste material, not other substance। ठीक है, इसके लिए केवल permeable होता है, इसके कारण waste material remove होता है। Just like waste material क्या है, यहाँ पर यूरिया pass through the semi-permeable cellulose tube into the dialyzing solutions, इसमें आता है, dialyzing solution में आता है, जो हम
जिसको हम फिल्टर कर लेते हैं, मतलब इसको रिमूव कर लेते हैं थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर, द क्लीन ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द वेन ऑफ द पेशेंट आर्म, ठीक है, पेशेंट आर्म के वेन में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। आर्टरी से हम ब्लड लेते हैं, कहाँ एंटर करते हैं, हेमोडायलिसिस जो मशीन है, इसमें क्या है, दिस इज मेड ऑफ द सेलुलोजिक, सेलुलोज का मेम्ब्रेन का बना हुआ है, दिस इज द सेमी परमेबल फॉर द वेस्ट मटेरियल, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, इसमें सोल्यूशन मिक्स होता है, सोल्यूशन में क्या होता है, ग्लूकोज सॉल्ट एंड सम आयन, जस्ट लाइक अ रेसिपिएंट इन केस ऑफ ब्लड, ठीक है, उसको इसमें एंटर कराते हैं, जब ब्लड आर्टरी टू इसमें एंटर कराते हैं तो इसके थ्रू सेलुलोजिक मेम्ब्रेन है परमेबल होता है, सेमी परमेबल होता है, उसके थ्रू वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है, कहां आता है, इन केस ऑफ डायलिसिंग सोल्यूशन के साथ मिक्स होकर के दैट इज कलेक्ट इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जो यहां है बॉटल यूज किया गया है, इसको दैट इज द समय सरफेस फॉर्म डिस्चार्ज या रिमूव करते रहते हैं, ठीक है, और फिल्टर होने के बाद इस जो ब्लड एंटर कराया है यहां पर उसको दैट इज गोज इनटू द वेंस, ठीक है, आर्टरी में इसको एंटर कराते हैं, काम वेट कराते हैं वेंस में, क्योंकि अब तो फिल्टर हो गया, कहां जाना है, रिमूव होकर के रिटर्न होकर कहां आएगा आपका हार्ट में, ठीक है, तो आई होप दैट आई विल क्लियर अबाउट द डायलिसिस प्रोसेस, हाउ कैन दैट इज वर्क, that is clear, okay, in case of extraction or in case of plant, इसे human being की बात कर दीजिए, plant में कैसे extraction होता है, because you know that in case of plant, there is no specialized organ or present which are responsible for the extraction of waste material, just like in case of human beings, there are different organ or present, or different organism में different organ होते हैं which are responsible for the removal of waste material, but how can process occur in case of plant? प्लांट में ये प्रोसेस कैसे होता है, तो इन केस ऑफ प्लांट दैट इज द प्रोसेस दैट इज द थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, और एक होता है गटेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, या रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन, गटेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ लीफ ड्यूरिंग द मॉर्निंग, लीफ के टिप पर देखते हो लिक्विड ड्रॉप दिखता है, वो क्या, दिस इज द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द leaf of tip is known as the gutation, और इसका transpiration क्या है, losses of water from aerial part of plant, aerial part मतलब मिट्टी के नीचे root छोड़ करके जितना मिट्टी के ऊपर part है aerial part में, उसके through loss of water होना उसी को हम कहते हैं transpiration, ठीक है, इसके through waste material remove होता है, what is the waste material of the plants, क्या क्या waste material plant का, इसमें हो जाएगा carbon dioxide, oxygen भी है waste material, है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिमूव होता है, ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्रोडक्ट जो बनता है, ये भी क्या इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, एज वेल एज इन सम प्लांट दैट इज द दिस वेस्ट मटेरियल आर स्टोरेज इन द प्लांट लीफ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है कहां पर, फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसमें यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, एज वेल एज इन सम प्लांट दैट इज द वेस्ट मटेरियल स्टोरेज इन स्पेशलाइज्ड वेसल्स, जस्ट लाइक दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ जाइलम टिश्यूज, जैसे आयल ग्लैंड्स हैं, आयल्स होते हैं, ठीक है, मिल्क ग्लैंड्स हैं, मिल्क, सम प्लांट में मिल्क होते हैं, नेक्टर होते हैं जो रिलीज होते हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ ऑरेंज जो आउटर लेयर है उसमें आयल्स होते हैं, आयल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक, उसमें तो वो स्टोर होते हैं, मिल्क जस्ट लाइक इन केस ऑफ सब प्लांट, पीपल हो गया आपका, ऑक ट्रीज हो गया, ऑक ट्रीज यू नो अबाउट द कैलोट्रोपिस मदार, ठीक है, उसमें जो मिल्क है वो भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इन सम प्लांट जस्ट लाइक इन केस ऑफ अकेशिया बबूल जो होता है उसमें गम सीक्रेट होता है, गम्स यू नो अबाउट द गोद जिसको कहते हैं, ठीक है, और एक और प्लांट है जिसके थ्रू हींग ऑप्टेन करते हैं, दिस इज ऑप्टेन फ्रॉम द एफ फोर्टिडा स्पीसीज है, ठीक, एफ फोर्टिडा,
उसके रूट्स है, जो वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहा है उसी को हम यूज करते हैं, जो हींग होता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन. ओके, सो दिस द डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन केस ऑफ प्लांट एंड एक्सक्रीशंस. दैट इज अगर एरियल पार्ट एंड ट्रांसपिरेशन की बात करें तो प्रीवियस क्लास में बता दिया, देयर थ्री प्रोसेस ट्रांसपिरेशन होता है, थ्रू द स्टोमेटा होता है तो उसको स्टोमेटल बोलते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टोमेटा थ्रू होता है. दूसरा है क्यूटिकल्स, अपर सरफेस ऑफ लीफ, उस पर आपका क्यूटिकल प्रेजेंट होता है जिस पर वैक्सिकुलेटर होता है, उसके द्वारा कम वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज लॉसेस. एंड थर्ड वन इज द लेंटिसेल्स ट्रांसपिरेशन. लेंटिसेल्स क्या होता है, जो बार्क होता है, ट्री का बार्क होता है, इस बार्क के बीच बीच में ये, ठीक है, जो गैप होता है उसके द्वारा भी वाटर लॉस होता है, इसको लेंटिसेल्स बोलते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट. ये भी क्या है, ट्रांसपिरेशन है. ओके, आई होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर फ्रॉम दिस वीडियोस फॉर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीशंस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज इन द प्लांट. Thank you for watching the videos. If you like them, share and subscribe my channels. और next जो video होगा अपने आप आपके उसका link आपको मिल जाएगा, इसलिए मेरे जो channel है उसको subscribe करिए and press करिए icon bell को. Thank you.